आज आदमपुर चुनाव का जो परिणाम आया है, इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस की हार नहीं हुई। इसमें बाप बेटे की जो कांग्रेस है, उसकी हार हुई है। हरियाणा कांग्रेस एक परिवार तक सिमट के रह गई है। ना तो इन्होंने किसी को बड़े सीनियर लीडर को बुलाया, कुमारी शैलजा बहुत सीनियर लीडर थी, उनको भी नहीं बुलाया। किरण चौधरी का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, क्योंकि उनके पति सुरेंद्र सिंह वहाँ से कई बार कई चुनाव लड़ चुके हैं, उनका बहुत बड़ा बेस है, उनके बहुत बड़े समर्थक हैं उस इलाके में, उनको भी नहीं बुलाया। रणदीप सुरजेवाला को भी नहीं बुलाया, कैप्टन अजय सिंह को भी नहीं बुलाया। और इन्होंने सिर्फ अपने जो इनके व्यक्तिगत लॉयल लोग थे ना, सिर्फ उनको बुलाया, जिसके कारण पार्टी को करारी हार का सामना देना पड़ा। वजह क्या मानते सवाल, वजह तो सिर्फ यही है कि इन्होंने जेबी पार्टी बना ली अपनी। कांग्रेस पार्टी जो जिसका इतिहास रहा है, कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक आज कहाँ है? कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो तो खत्म हो चुका है। आज व्यक्तिगत कुछ लोग कांग्रेस के साथ अपने पर्सनल इंटरेस्ट में इन्होंने अपने साथ लगाए हैं, बाकी तो कांग्रेस का वोट बैंक तो रहा ही नहीं कहीं, और इसके लिए बाप बेटा जिम्मेवार है। और ये जो उपचुनाव है ये हरियाणा की राजनीति की दिशा तय करेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत जल्दी में है, वो अपने बेटे को हरियाणा का नेता बनाना चाहते थे, और उनका बेटा भी वहां नाचता रहा 3 4 दिन 5 दिन लगातार, और वो कहता रहा कि हमारी जीत पक्की है। और बड़ा दुर्भाग्य है, हमें पहले से ही पता था कि ये नतीजे होने हैं, और ये सारे नाच रहे थे क्या, हम तो आदमपुर में इतिहास रचेंगे, और आदमपुर के अंदर हम कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई को हरा के हम एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। कहीं साठ गांठ लग रही है आपको बीजेपी के साथ? साठ गांठ है क्या? देखिए, एक बात तो मुझे पता नहीं, साठ गांठ का मुझे पता नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ एक बयान भी नहीं आया। ये जेल से डरते हैं, जेल जाने से डरते हैं, और उसकी वजह से 7 मुकदमे हैं इनके ऊपर, और एक भी मुकदमे पे कार्रवाई नहीं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इन्होंने कांग्रेस का भट्ठा बिठा दिया है बाप बेटा ने। आज दीपेंद्र सिंह को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स क्यों है हरियाणा कांग्रेस में? कोई मामला है दीपेंद्र सिंह करेगा, कोई मामला है दीपेंद्र सिंह करेगा। आज वो अपने आप ही स्टार प्रचारक बना हुआ था, नंबर 1 अपने आप, वो उसको बेचारे उदय भान को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। दीपेंद्र सिंह अपनी लोकप्रियता साबित करना चाह रहा था, टाइम टाइम फिश निकल गई, पता लग गई उनको क्या कितने लोकप्रिय हैं। तो आगे क्या रहेगा? इस हार की जिम्मेदारी जो है, जिम्मेवार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। टोटल जिम्मेदारी बाप बेटे की है, और कोई जिम्मेदार नहीं है। तो क्या रहेगा? और इन्होंने भट्ठा बिठा दिया पार्टी का। आने वाले टाइम में 24 के अंदर इनके रहते रहते कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आ सकती। कांग्रेस में फूट चरम पर, चरम पे आपने आपने खुद देख लिया कि सीनियर लीडर, 4 4 सीनियर लीडर पूरे चुनाव में नहीं गए। किसकी वजह से चुनाव में नहीं गए? कौन जिम्मेवार है इन सब के लिए? हुड्डा साहब से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा था कि बड़ौदा में भी उन्हें नहीं बुलाया गया था, लेकिन वे खुद आए थे प्रचार करने। बड़ौदा में सिर्फ अकेले कुमारी शैलजा आई, वो पार्टी प्रेसिडेंट थी। आज इनका दायित्व था, इनका इनकी जिम्मेदारी थी। एलनाबाद में कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुद कह के बुलाया था। और जब भी कोई चुनाव होता है, पार्टी प्रेसिडेंट की और सीएलपी लीडर की जिम्मेवारी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बड़ी बहुत जल्दी में अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, आने वाला टाइम बहुत खराब है कांग्रेस के लिए अगर ये रहेंगे तो। इसलिए भूपेंद्र सिंह और हुड्डा को इस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सीएलपी पद से इस्तीफा देना चाहिए।
आला हाईकमान को भी इस पे समीक्षा करनी चाहिए निश्चित तौर पे कि आफ्टर ऑल ये जो कह रहे दावे कर रहे थे बड़े लंबे चौड़े चौड़े हम तो इतिहास रचेंगे, वो इतिहास कहाँ रह गया? इन्होंने बहुत लंबे चौड़े वायदे किए थे लोगों, बहुत दावे किए थे कि हमने हम तो फतेह कर लिया हमने आदमपुर, कहाँ से फतेह कर लिया आदमपुर?